दोस्तों एक जिराफ आराम से सो रहा होता है, तब उसकी नींद खुल जाती है और जिराफ उठने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है और वह उठ नहीं पाता है और बहुत कोशिश करने के बाद वह उठ जाता है लेकिन उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है और यह देखकर जिराफ चौंक जाता है। जिराफ अपनी गर्दन एक बेल के ऊपर रखता है लेकिन बेल टूट जाती है। यह देखकर जिराफ बेल को एक पत्थर से बांध देता है और पत्थर को लुढ़का देता है जिससे जिराफ की गर्दन कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाती है और जिराफ पत्थर के साथ लुढ़कता हुआ चला जाता है और जिराफ अपनी गर्दन को झाड़ियों से बचाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी करने लगता है जिससे उसकी गर्दन ठीक हो जाती है। लेकिन तभी जिराफ की गर्दन पर आकर वही वाला पत्थर गिर जाता है जिसके कारण जिराफ की गर्दन एकदम छोटी हो जाती है। देखकर जिराफ बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अपनी गर्दन को ठीक करने के चक्कर में वह गहरी खाई में गिर जाता है और गिरने के कारण उसके पैर भी छोटे हो जाते हैं। जिराफ यह देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और वह दौड़कर उड़ने वाले फूलों के पास आ जाता है जिससे जिराफ को छींक आती है जिससे उसकी गर्दन पहले जैसी हो जाती है और जिराफ पीछे पीछे चलता है तो उसके पिछवाड़े में एक कांटा चुभ जाता है जिससे उसके पैर भी ठीक हो जाते हैं और ठंडी हवा में सो जाता है।